गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह उठ के मी और मेरी नानी नहा धोकर आ गए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। आज है रथ यात्रा, तो देखो यहाँ पे मंदिर के हम लोग पास पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग उतर के भगवान जी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को मैं भगवान जी के दर्शन कराऊंगा। गाइस, भगवान का दर्शन तो मैंने आप लोगों को करवा ही दिया, अभी घर का पूजा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो गाइस, मैं अपने घर में जो है भगवान जी को यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ठीक है। अभी 9 दिन तक भगवान यहीं पे पूजा पाएंगे, ठीक है। तो देखो धूप का धूप वगैरह लगा दिया है, दीपक भी लगा दिया है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। गाइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाहर देखो भाई, भयंकर बारिश हो रहा है, भयंकर से भी भयंकर बारिश। गाइस देखो लाइव चल रहा है टीवी पे और जगन्नाथ भगवान का दर्शन कीजिए आप लोग। बहु देखी भाई, ठाकुरों को देखी भाई। तो गाइस मैं अपना जल्दी जल्दी लंच कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग निकलेंगे रथ खींचने के लिए। तो जो कपड़ा हम लोगों ने भगवान जी को भेंट में दिया था, भगवान उसे ग्रहण करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि के स्वामी हैं, तो वो हमारा इतना छोटा सा उपहार ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है हम लोगों के लिए। तो आज मेरे लंच में क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एकदम स्पेशल लंच है, बिना प्याज लहसुन का, एकदम सात्विक खाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है। तो ये देखो गाइस, खिचड़ी बना है और ये है सूजी का खीर और उसके साथ है घंटों, ठीक है। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, एकदम सात्विक खाना है। तो बारिश में एकदम ये वाला खाना तो एकदम जम गया गाइस। देखो जिस तरीके का मौसम है और उसके साथ जैसा खाना मिला है आज, एकदम मज़े ही मज़े हैं। तो चलो गाइस मैं अपना जल्दी जल्दी लंच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। गाइस रोहन और मैं दोनों के दोनों निकल रहे हैं रथ खींचने के लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गाइस कहाँ Z900 से, ये क्या है, मत बैठो कोई आएगा गाली देगा। अबे रोहन तू कैसा दिख रहा है पता है, अंडा वाला जिसको जो वाला चाहिए ले लो वाला। यहाँ पे मजा आ रहा है। Thank you.
गाइस पहले मैं यहाँ पे रहता था इसी गली के अंदर, इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। स्विमिंग पूल से होते हुए घर जाना पड़ता था गाइस, जिसका नाम है पालपड़ा। Later that same evening. A few moments later. हम लोग नियति के नए घर पे आए हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने आप लोग को जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराया, तो चलो अभी उसका नया घर टूर कराता हूँ। 15-20 तक ये मेरा बेड है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, ये सब मेरे नए घर पे आए हैं। ये मेरा मंदिर है गाइस, और ये मैं हूँ। हम बहुत जोर से बोल रहे हो, हम थोड़ा होम टूर करा देते हैं। ये मेरा रूम है, यस यस व्हाई नॉट। बैक टू वॉल गाइस, हाँ राइट। आंटी को किचन जरूर दिख गया, आंटी लोग का काम का चीज है। दिस इज थोड़ा मेसी गाइस, सिंस घर पे काम हो रहा है। फ्रिज गाइस देखो, यहाँ से क्या ही व्यू है। मेरा फेवरेट प्लेस बन गया गाइस। यहाँ पे देखो हनुमान जी का झंडा कितना अच्छे से लहरा रहा है, हवा में कितना अच्छे से लहरा रहा है झंडा। और यहाँ पे झूला है गाइस, और ऊपर एक छोटा सा पंखा भी है। वाओ, हाँ कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है गाइस। ये नियति का नया घर है, सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना। ऐसे ही तुम नया गाड़ी लो, नया घर लो, और हम लोग को बुलाती रहना। One hour later. आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज बहुत कुछ हो गया, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए, मजा आ गया गाइस। और नियति की फैमिली की तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट भी था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक मिनट। तो गाइस ये है वो गिफ्ट, देखो इसमें श्री रामचंद्र जी हैं सीता माँ के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट था, थैंक यू सो मच भाला फैमिली। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग का रिटर्न गिफ्ट, और बहुत ही सुंदर घर है उन लोग का। और बस यही है, सबका ब्लेसिंग्स है आप लोग के साथ, आप लोग ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए और ऐसी नई नई चीज़ें खरीदते रहिए। तो जो भी हो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ।